हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ मीठे पूड़े, या बहुत सी जगह इन्हें गुलगुले भी बोलते हैं, और मीठी पूरी की रेसिपी। ये देखिए, ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। ये आप कहीं सफ़र पर जा रहे हों, या छोटी छोटी भूख के लिए बच्चों को दिन में लगती है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए गुड़, या फिर शक्कर हो तो शक्कर। ये देखिए, मैंने एक बाउल शक्कर ले ली है। अब सबसे पहले हम इस शक्कर को पानी में भिगो कर रख देंगे कुछ टाइम के लिए। तो ये देखिए, मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है। अब मैं इसमें अपनी शक्कर डाल दूँगी और उसे अच्छे से मिक्स करके कुछ टाइम के लिए छोड़ दूँगी। अब ये देखिए, ये पूरी तरह से पानी में मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसे, ये देखिए, ये बिल्कुल घुल चुकी है, इसमें कोई अब गांठ वांठ कुछ भी नहीं है। ये देखिए, अब इसको हम छान लेंगे। छानना इसके लिए ज़रूरी होता है क्योंकि शक्कर में थोड़ा सा पत्ती कूड़ा कुछ हो तो वो एक्स्ट्रा निकल जाएगा, क्योंकि शक्कर में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होता ही है। तो ये देखिए, ये हमने इसे अच्छे से छान लिया है। ये देखिए, इसमें ये थोड़ा सा दिख रहा है ना, थोड़ी इसमें कभी कभी सोडे की गांठ वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं। तो अब हम सबसे पहले पूड़े बना लेते हैं। इसी शरबत में से मैंने ये बड़े वाला 2.25 गिलास शरबत इस भगोने में निकाल लिया है। ये देखिए, ये 2.25 गिलास शरबत है। अब इसमें हम आटा मिक्स करेंगे। आटा भी हम उसी बाउल से लेंगे जिसमें हमने शक्कर ली थी। तो इस 2.25 गिलास शरबत में हम एक बाउल भर के आटा डालेंगे और इसे, ये देखिए, मैंने आटा डाल दिया है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मिक्स करने के बाद इसे 2 घंटे कम से कम रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। आपको इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बेकिंग सोडा, कुछ भी नहीं, ना इनो, फिर भी आपके पूड़े बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। तो ये देखिए, बस इसे 2 घंटे पहले भिगो दीजिए ताकि अच्छे से फूल जाए। तो ये देखिए, अभी हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हुआ है ये। अब हम पूड़े बनाने स्टार्ट करते हैं। पूड़े बनाने के लिए कटोरी मैंने पानी ले लिया, पहले अपने हाथ को उसमें भिगोया है। उसके बाद ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा पेस्ट हाथ में लीजिए और हल्के से धीरे से छोड़िए। देखिए, इससे शेप बहुत अच्छी आती है। ये देखिए, हमारे पूड़े ये धीमे धीमे आँच पर पकाने के बाद ऐसे कलर इनका रेड हो गया है अच्छा सा। फिर हम इन्हें साइड में लगा के धीरे धीरे से ऐसे ही निकाल लेंगे। साइड में निकाल के, पूड़े साइड में लगा के निकालने से क्या होता है कि आपकी जो एक्स्ट्रा चिकनाई है वो कढ़ाई में ही रुक जाती है, वो छन्नी में नहीं आती। ये देखिए, अब मैंने ये सारे पूड़े निकाल लिए हैं। कलर बहुत अच्छा आया है पूड़ों का और ये बने भी एकदम सॉफ्ट है। अब हम मीठी पूरी की तैयारी करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए थोड़े से तिल, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा शरबत, एक बाउल आटा। शरबत हमारा वही है जो हमने पहले बनाया था, उसी में सोचा। अब हमने आटे में सौंफ डाल ली है, तिल डाल ली है और उसमें देसी घी डाल लिया है। थोड़ा सा देसी घी मोयन के लिए डाल लीजिए, जिससे कि आपकी पूरियाँ सॉफ्ट बने, उनमें कैड़ापन नहीं आएगा। अब उन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें शरबत डालेंगे। शरबत थोड़ा थोड़ा करके डालिए और उसे मिक्स करते रहिए इस तरीके से। ये देखिए, ये शरबत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं मलना है, क्योंकि ये रखने के बाद खुद भी टाइट हो जाता है आटा। तो इसे थोड़ा सा हल्का सा पतला मथना है आटे को, क्योंकि रखने के बाद ये ऐठन हो जाती है इसमें और ये टाइट हो जाता है आटा, फिर पूरियाँ हमारी फट जाती हैं किनारे से। तो ये देखिए,
ये सॉफ्ट डो, एक सॉफ्ट डो तैयार करना है आपको आटे का। ये देखिए, ये हमारा देखो सॉफ्ट डो तैयार है। अब हम चलिए, देखिए बहुत अच्छा मला गया आटा। अब हम इसकी पूरियाँ बनाते हैं। पूरी बनाने के लिए हम एक लोई निकालते हैं और उसे अच्छे से बेल लेते हैं। देखिए बेलने के बाद, देखिए हमारी पूरी की बिल्कुल भी किनारे फटी नहीं है, क्योंकि आटा मैंने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं मला था। अब पूरी देखिए, आपको ज़्यादा पतली नहीं बनानी है, ठीक बनानी है इस टाइप की। अब हम पूरी को तल लेते हैं। जब एक तरफ से हमारी पूरी सिक जाएगी तो हम उसे दूसरी तरफ से पलट देंगे, और धीमी धीमी आँच पर सेकनी है पूरी हमें। तेज़ आँच पर अगर हम सेकेंगे तो अंदर से कच्ची और बाहर से हमारी पूरियाँ जल जाएंगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है पूरी का। अब हमारी पूरी भी तैयार है, ये हमारी मीठी पूरियाँ तैयार हैं, और ये पूड़े, इन्हें आप कहीं भी सफ़र पे जा रहे हों या फिर घर में, जैसे गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, बच्चों को छोटी छोटी भूख लगती है, उसके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन होता है।